मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटे आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स से. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो करेंगे मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. ओके, अब देखो बेटे क्वेश्चन अराइज होता है कि मनी क्या है. मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम करे. देखो बेटे बहुत समय पहले हमारे पास जो मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, देर वॉज सो मैनी प्रॉब्लम्स कि हम लोग क्या करें कैसे नहीं करें. तो बेटे आज का जो हमारा रेलिवेंट टॉपिक है इट्स रिलेट्स टू फंक्शंस ऑफ मनी. ओके, सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ मनी. मनी इज डिफाइंड, मनी को हम लोग क्या मान सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है. एक इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, एक तरीके से एक साधन है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम लोग मनी के थ्रू क्या कर पाते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू. हम लोग मनी के रूप में धन को संचय कर सकते हैं. थर्ड वन मेजर ऑफ वैल्यू, हम लोग हर एक चीज को मुद्रा के अंदर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट क्या होता है बच्चों, डेफर्ड पेमेंट का बच्चों मतलब यहाँ पर ये है कि वो पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट कौन सी होती है, विच आर मेड इन फ्यूचर, जिनको हम लोग कब करते हैं स्टूडेंट, फ्यूचर के अंदर. यानी कि डेफर्ड मैंने स्थगित किस में कर सकते हैं, हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं. तो डेफर्ड पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है, विच आर मेड इन फ्यूचर, जिनको हम लोग फ्यूचर के अंदर करते हैं. ओके, अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी. देखो बेटे फंक्शंस ऑफ मनी में मनी के दो तरह के फंक्शंस हैं. फर्स्ट है बच्चों हमारा प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड है बच्चों हमारा सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज ए सब्सिडरी फंक्शन, यानी कि सहायक कार्य. अब देखो बेटे प्राइमरी माने मेन फंक्शंस. मेन फंक्शंस क्या है, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू. हम लोग मनी के थ्रू क्या कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कर सकते हैं और मेजर ऑफ वैल्यू भी. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की. सेकेंडरी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय किया जा सकता है एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. यानी कि मनी के थ्रू ही तो बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मनी के थ्रू एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी हम लोग मनी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. और थर्ड है हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों, कि मनी कैन इजली ट्रांसफर, मनी को हम लोग कहीं भी बैठे मनी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. तो मनी बेटे यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन सामान मंगाकर मनी के थ्रू क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं. तो बेटे अब हम इनको थोड़ा अच्छे ढंग से ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट दैट टॉपिक. फर्स्ट वन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर विनिमय का माध्यम. मनी क्या है बच्चों, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या काम करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, विनिमय का, एक्सचेंज करने का काम करती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच सकते हैं. ठीक है बच्चों. फोर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ मनी, इमेजिनेशन करो स्टूडेंट्स कि अगर मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, देन क्या होगा, एक्सचेंज फॉर गुड्स इज वेरी डिफिकल्ट. इन द एब्सेंस ऑफ मनी गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. इट मीन्स यही है कि जब हम ऐसी सिचुएशन को इमेजिनेशन करते हैं जो बहुत सालों पहले हमारे इकोनॉमी के अंदर थी, कि वहां पर मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो हम वहां उस सिचुएशन में क्या करते थे, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, वस्तुओं को वस्तुओं में बदलते थे. दिस रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी, डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. ये डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है बच्चों, देखो बेटे डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, दोहरे संयोग की आवश्यकता. यानी कि देखो बेटे द गुड्स विच इज पोजिशन ऑफ ए वन पर्सन, पोजिशन क्या होता है, जो एक व्यक्ति के पास वस्तु है एंड रिक्वायर्ड बाय द अनदर पर्सन. इसका मतलब क्या है बच्चों, कि एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो दूसरे की जरूरत होनी चाहिए, दूसरे के पास जो वस्तु है वो पहले वाले की जरूरत होनी चाहिए, तभी तो आपस में म्यूचुअली गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार होंगे. तो हम अगर मनी नहीं है तो हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज किया जाता था. इट मीन्स कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि इंट्रोडक्शन होने से अब हमें गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे एक्सचेंज उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था, मुश्किल भी था ऐसे व्यक्ति को ढूंढना
जो आपसे सामान मिलने के तैयार हो, और दूसरी बात उसके पास भी वही सामान होना, उसी वस्तु का होना जिसको वो खरीदना चाहता है। ठीक है बच्चों, बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, लेकिन मनी के आने से ये प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई, क्योंकि बेटे पैसे ने सेल और परचेज को डिफरेंट कर दिया है, अलग कर दिया है। किस तरह से अलग कर दिया है, पहले तो बेटे अगर हम किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदते थे, मनी का इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ था, बदले में हमें उसके अनुसार उसको कोई ना कोई सामान देना पड़ता था। तो सेल और परचेज क्या थे, कलेक्ट थे, कि किसी से कुछ खरीदा उसके बदले में उसको क्या किया, कुछ ना कुछ वापस दिया। लेकिन मनी के इंट्रोडक्शन से आप मनी के थ्रू पेमेंट करते हैं, आप गुड्स को खरीद पाते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या है, अगर आप सेल करते हैं तो बदले में आपको क्या मिल जाते हैं, मनी मिल जाती है। तो मनी ने क्या किया है, हमारी गुड्स एंड सर्विस के सेल और परचेज को सेपरेट कर दिया है, इसलिए एक्सचेंज बिकम अनलिमिटेड। इसलिए एक्सचेंज क्या हो गया बच्चों, अनलिमिटेड हो गया है। वी कैन मेक पेमेंट फ्रॉम द मनी एंड कैन बाय ईच एंड एवरी थिंग। हम लोग पेमेंट करके कोई भी सामान खरीद सकते हैं, इसके लिए हमारे पास किसी सामान का होना जरूरी नहीं है। एंड सेकेंड अनदर इम्पोर्टेंट, अब जैसे देखो बेटे इसमें एक एग्जाम्पल भी है, मनी जो है बेसिकली वो क्या कर रही है, सेल और परचेज को डिफरेंट कर रही है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एक बेसिकली फार्मर क्या करता है बच्चों, ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ सब्सिस्टेंस कह लीजिए बच्चों, सेल्फ कंजम्पशन कह लीजिए, खुद के गुजारे के लिए करता है। एंड आल्सो फॉर द मार्केट, अगर वो खुद के गुजारे के लिए कर रहा है तो इसका मतलब पैसे नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि ए फार्मर प्रोड्यूसेस ग्रेन्स नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, वो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं करता है, बेसिकली वो उसको मार्केट में भी बेच सकता है, क्योंकि सेल और परचेज मनी की इंट्रोडक्शन होने से क्या हो गई है, सेपरेट। सेकंड फंक्शन है स्टूडेंट्स मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, मूल्य को मापना। हम लोग बेटे, अब देखो बेटे एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज की क्या वैल्यू है, आपके हाथ में जो वॉच है उसकी क्या वैल्यू है, आपके पास जो बुक है उसकी क्या वैल्यू है, देन यू कैन सिंपली रिप्लाई कि इट्स वैल्यू इज 5 रुपीज, 50, 5,000, 500। ओके, बट अगर मान लो बेटे हमारे पास बेसिकली मनी को मेजर करने के लिए कोई तरीका ही नहीं हो, किसी भी वस्तु की वैल्यू को मेजर करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो बेटे मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य को माप सकते हैं हम, हर एक चीज का मूल्य माप सकते हैं। ईच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी असाइन या कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ मनी। देखो बेटे मनी सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर का मतलब क्या है बच्चों कि मूल्य को हम लोग माप सकते हैं हर एक वस्तु की, किसके थ्रू माप सकते हैं, मनी के थ्रू। ईच वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर एक वस्तु जो भी है उसका जो मूल्य है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम हर एक वस्तु और सेवा का मूल्य किसमें माप सकते हैं, मनी के रूप में माप सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मनी, मनी के ना होने से, ठीक है ना, देयर वॉज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास मूल्य की कोई एक समान इकाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि हम गुड्स की वैल्यू को गुड्स में मेजर करेंगे। एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आता है, देन ही कैन सिंपली, ही और शी कैन सिंपली रिप्लाई ₹5 lakh, ₹10 lakh। और अगर मनी नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ मनी वैल्यू ऑफ कार विल बी मेजर्ड विद द टर्म्स ऑफ काउज, बफेलोज एटसेट्रा। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है बच्चों कि इन द एब्सेंस ऑफ मनी देयर वॉज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को मापने के लिए, उनके मूल्य को मापने के लिए हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं होगी। यहाँ पर कॉमन यूनिट क्या है बच्चों, मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मनी के इंट्रोडक्शन से बेटा इस डिफिकल्टी को दूर कर दिया गया है, बिकॉज ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो बेटे मनी के इंट्रोडक्शन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक वस्तु और सेवाओं का मूल्य माप सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस का स्टूडेंट्स एक दूसरा नाम और है सब्सिडरी फंक्शंस, सब्सिडरी फंक्शंस। ओके, अब देखो बेटे यहां पर सेकेंडरी फंक्शंस कौन से हैं, मनी के कुछ आपने पढ़े, मैंने डिस्कस किया अभी प्रीवियसली कि मनी के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो बेटा एक तो था प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अनदर टॉपिक है बच्चों सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन का अनदर नेम क्या है बच्चों, सब्सिडरी फंक्शन। अब सब्सिडरी फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है स्टूडेंट, डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है बेटे विच आर मेड समटाइम इन फ्यूचर,
जिनको हम लोग कब पे करते हैं बच्चों, फ्यूचर में। डेफर्मेंट स्थगित, स्थगित किस चीज को किया जा सकता है जिसको हम फ्यूचर में ट्रांसफर कर सके। ओके, मनी हैज मेड डेफर्ड पेमेंट मच इजियर देन बिफोर। मनी ने क्या कर दिया है बेटे, डेफर्ड पेमेंट को पहले से बहुत आसान बना दिया है। देखो बेटे, जैसे इफ बोरो मनी, अगर हम मान लो बेटे किसी से पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, देन वी हैव टू पे प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। इट मीन्स इफ वी बोरो मनी फ्रॉम समबडी देन वी हैव टू रिटर्न बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। इसका कहने का मतलब क्या, अगर आज के दिन बेटे हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पैसे के साथ साथ उसका पैसे का ब्याज वापस कर देते हैं, ठीक है। मनी इज अ कन्वीनियंट मोड, एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है सच टाइप ऑफ पेमेंट, इस तरह की डेफर्ड पेमेंट करने के लिए। मैं इसके एक अनदर एग्जाम्पल भी लूंगी। मान लो बेटे अगर मनी की इंट्रोडक्शन नहीं हुई है तो उस समय बेटे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट के लिए आपने किसी से जरूरत पड़ने पर गेहूं उधार ले लिया, ठीक है, तो बेटे नेक्स्ट सीजन में उसी टाइप का, उसी तरीके का गेहूं वापस करना उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आज के दिन अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आप क्या करते हैं बच्चों, पैसे को विद इंटरेस्ट वापस कर देते हैं। तो मनी क्या है, कन्वीनियंट मोड है डेफर्ड पेमेंट के लिए, फ्यूचर में की जाने वाली पेमेंट के लिए। ओके, एंड बट इट इज डिफिकल्ट टू मेक सच पेमेंट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इस तरह की पेमेंट गुड्स एंड सर्विस में करना बहुत ही मुश्किल है। आगे देखिए बच्चों, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्टोर ऑफ वेल्थ, मूल्य का संचय करने का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों, धन का संचय करना। आज के दिन बेटे हम लोग कितनी आसानी से वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, किसमें स्टोर कर सकते हैं, देखो देखना, वेल्थ कैन बी कंसिडरेबली इजी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन अ पेपर टाइटल्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव्स। आज के दिन बेटे स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है मूल्य का संचय करना। हम लोग बेटे स्टोर ऑफ वैल्यू इंप्लाइज स्टोर ऑफ वेल्थ, स्टोरिंग वेल्थ बेटे बहुत आसान हो गया है, सुविधाजनक हो गया है किसके कारण, मनी के आने से। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड, हम लोग वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर टाइटल्स। हम लोग बेटे आज के दिन कितने ही पैसे फिक्स डिपॉजिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हर तरह से स्टोर कर सकते हैं। बट इट वॉज नॉट कन्वीनियंट विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, लेकिन बेटे जब मनी नहीं है इसका मतलब क्या है, वी हैव टू स्टोर इन वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के रूप में क्या करेंगे, अपने धन को, अपने पैसे को संचय करेंगे। तो बेटे गुड्स तो क्या होती हैं, पेरिशेबल नेचर की होती हैं, एक टाइम के बाद गुड्स एंड गुड्स क्या हो जाती हैं, पेरिशेबल हो जाती हैं। तो आपका जो वेल्थ स्टोर करना है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बेटे स्टोरिंग वेल्थ इज कंसिडरेबली मोर इजी, पहले से बहुत आसान हो गया है कि अगर आप चाहते हो कि आप पैसे को इकट्ठे कर सको तो आप इजिली फिक्स्ड डिपॉजिट में, और भी बेटा बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, धन का संचय कर सकते हो। बट विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, अगर मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो बेसिकली गुड्स को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हम लोग अगर गुड्स को स्टोर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, गुड्स क्या हो जाएंगी, पेरिशेबल होती है, पेरिशेबल समझते हैं ना बच्चों, नाशवान होती है, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। स्टोर्ड वेल्थ इज अ सोर्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर बेटे आज के दिन हम लोग धन का संचय करते हैं तो हमारे फ्यूचर में के अंदर हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो पैसा, वो स्टोर, वो वेल्थ हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। एंड थर्ड एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मनी इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि हम लोग मूल्य को क्या कर सकते हैं, हस्तांतरण। देखो बेटा इसका सबसे बड़े एग्जांपल आज के दिन है, आप लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो आप मनी को ट्रांसफर कर पाते हो ना, तो सोचो बेटे अगर मनी नहीं हो तो ट्रांसफर करना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा, हम कर ही सकते, हम क्या बोलेंगे किसी को, अगर मान लो अपने को कोई सामान बाहर भेज, कोई सामान बाहर से मंगवाना है, ठीक है बच्चों, तो कैसे मंगवाएंगे, क्योंकि उस टाइम मनी का तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो ए कन्वीनियंट मोड फॉर द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन पेमेंट। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू विच हैज लेड टू द एमरजेंस ऑफ एमएनसी। एमएनसी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। मनी के अंदर ट्रांसफर की फैसिलिटी है, मनी को हम लोग इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी तो इसके कारण क्या हुआ है, एमरजेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है बच्चों, जो एक देश के अंदर अपना हेड ऑफिस चलाती हैं और बाकी ब्रांचेस सभी देशों के अंदर खोल देती हैं और वहां से अर्न होने वाले प्रॉफिट को अपने देश के अंदर भेज देती हैं। तो बेटे जब वो मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं तभी तो एमएनसीज कहाँ है, भारत के अंदर खुलती जा रही है। तो एमएनसीज के इंट्रोडक्शन होने का कारण भी बच्चों क्या है, मनी के अंदर जो ये क्वालिटी है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
द ग्लोबल इकोनॉमी हैज कम इनटू एक्जिस्टेंस, जो हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था थी ये अब हमारे अस्तित्व के अंदर आ गई है। तो इसका बच्चों यही कारण है कि हम मनी को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। बेटे आज का ये टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।